प्लानिंग थी हमारा, हम दोनों शादी कर लेंगे और यहीं रहेंगे। तो कब से तुम्हारा प्रेम संबंध चल रहा था? लगभग एक साल से। ज्यादातर दोस्तों शबनम के मामले में अब तक आप सुनते आ रहे होंगे कि शबनम की जो सजा है दोस्तों वह उम्र कैद में बदलने के 99% चांस हैं। और दोस्तों इसके पीछे का रीजन है कि उनकी जो सजा है उसे बहुत साल हो चुकी हैं। और दूसरा रीजन है दोस्तों शबनम का एक लड़का भी है। और तीसरा रीजन है दोस्तों वह एक महिला है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए उस 2008 वाले मामले की जिसमें दोस्तों एक लड़की ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों उसमें केवल शबनम अकेली नहीं थी बल्कि उसका आशिक सलीम भी शामिल था। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सलीम एक पुरुष है, क्या उसे फांसी की सजा दी जाएगी या फिर उसकी भी उम्र कैद कर दी जाएगी? दोस्तों वीडियो में आगे जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। आप लोग सभी यह जानते हैं कि 2008 का हुआ मामला जिसमें शबनम ने अपने आशिक के साथ मिलकर खुद के परिवार के 7 सदस्यों को ही मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन दोस्तों उसकी अभी भी तारीख नहीं आई है। और दोस्तों उस मामले को 15 साल से अधिक हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इतनी साल हो चुकी हैं, यहाँ पर सीधा मतलब यह निकल सकता है कि शबनम की जो सजा है वह उम्र कैद में होने के 99% चांस हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों 15 साल बहुत होती है। दोस्तों आपको भी पता हो कि बीच में एक महिला वकील के द्वारा भी यह दोस्तों अपील की गई थी कि शबनम की जो सजा है उसे उम्र कैद में बदल दी जाए। यानी कि दोस्तों ज्यादातर सभी लोग यही चाहते हैं कि उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए, क्योंकि दोस्तों फांसी एक किसी व्यक्ति को सुधारने का समाधान नहीं है। दोस्तों उसे उम्र कैद होने पर ही उसे जीवन भर दोस्तों पश्चाताप रहता है। यह बात दोस्तों एक वकील के द्वारा भी कही गई है। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं उसके बॉयफ्रेंड सलीम के बारे में। आज तक आपने सलीम के बारे में एक भी खबर नहीं सुनी होगी, तो दोस्तों आपको भी बता दूं कि शबनम और सलीम इस पूरे गुनाह में बराबर के हकदार हैं। अगर कोई भी कानून के द्वारा, न्यायालय के द्वारा कोई भी सजा सुनाई जाएगी तो उनके लिए, दोनों के लिए बराबर सुनाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों गुनहगार गुनहगार होता है, चाहे उसमें एक महिला हो या पुरुष हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुनाह करने वाला इंसान गुनहगार है, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष हो। तो दोस्तों जो कुछ भी न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई जाएगी वह दोनों के लिए बराबर की जाएगी। अगर शबनम की सजा को उम्र कैद में बदला जाएगा तो दोस्तों सलीम की भी सजा को उम्र कैद में ही बदला जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दोनों बराबर के हकदार हैं। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा बहुत ही जल्द एक बड़ी जानकारी के साथ। धन्यवाद।